अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वेइंग ब्रिज के सॉफ्टवेयर के मुताबिक बताऊंगा कि जो वेइंग ब्रिज हमारा जो वेइंग ब्रिज का सॉफ्टवेयर है उसमें ऑपरेटर को किस तरीके से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसमें आज मैं फर्स्ट वेट भी करूंगा, सेकंड वेट भी करूंगा, डायरेक्ट वेट भी करूंगा, री एंटर फर्स्ट वेट भी करूंगा और उसके अलावा इसमें जितनी भी ऑप्शन है वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वजन शो कर रहा है इसके इस टाइम हमारे पास 500 ग्राम का ये स्केल है, तो ये जब हम इसके ऊपर स्केल के ऊपर रखते हैं वही हमारा वजन जो है इंडिकेटर के ऊपर आ जाता है और वही वजन जो है हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑटो आ जाता है, खुद ब खुद यानी आ जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि फर्ज करें मैं थोड़ा कुछ और भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखता हूँ तो इंडिकेटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये आ गया और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा दूर से दिखाया, यानी जो भी यहाँ पे वजन आ रहा है वो यहाँ पे भी आ रहा है। ये मैं हल्का सा चेंज करता हूँ तो जो यहाँ पे चेंज होता है वो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर के ऊपर भी चेंज हो जाता है। तो फर्ज करें कि जब कोई गाड़ी आती है वो गाड़ी आके जब इंडिकेटर के ऊपर आएगी, जैसे कि ये गाड़ी जो है ये जैसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी वो उसने यहाँ पे भी वजन शो कर देना है, जैसे 490 इस टाइम शो कर रहा है वही इसने वजन यहाँ पे शो कर देना है। अब अगर हमने फर्स्ट वेट करना है, अगर हमने गाड़ी का फर्स्ट वेट करना है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये टिकटिंग के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा टिकटिंग की ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। हमारे सामने ये पूरा एक ओपन हो जाएगी विंडो, उसमें हमने फर्स्ट एड के लिए हमें खाली गाड़ी का नंबर डालने की जरूरत होगी। फर्स्ट करें गाड़ी का नंबर इस टाइम है हमारे पास ABC123, ये गाड़ी का नंबर है। और अगर हम कुछ भी एंटर ना करें, ये जैसे है प्रोडक्ट नेम है, कस्टमर है, बैग है, ड्राइवर है, ये अगर हम एंटर ना भी करें तो फिर भी वजन सेव हो जाएगा। और अगर हम ये एंटर करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट हम एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे यानी होगा वो हम एंटर कर सकेंगे। ये हम मैं आपको बताऊंगा कि हम ये कैसे लिख सकते हैं। अगर हमने ये नहीं भी हो, हमने सिंपल जैसे कि यहाँ पे मैं वाटर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकता हूँ कोई भी प्रोडक्ट का नाम, ये हम एंटर कर देंगे। कस्टमर नाम भी जो है मैं केयर इंटरनेशनल लिख देता हूँ, ये मैं कस्टमर नेम लिख दिया। ये अगर हम ना भी लिखें फिर भी हमारी पर्ची निकल जाएगी, लेकिन मैं स्लिप निकाल के आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से हमारी ये पर्ची निकलती है। उसके बाद एंटर कर दिया, मैं कंटेनर नंबर लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना चाहते हैं कोई मसला नहीं। नंबर ऑफ बैग अगर लिखना चाहते हैं मैं 10 लिख देता हूँ, अगर नहीं लिखना चाहते आप कोई मसला नहीं। उसके बाद फिर आप एंटर करेंगे, ये कह रहा है कि ऑल एंट्रीज करंट सेव नो, अगर हम सेव करना चाहते हैं फिर हम एंटर कर देंगे, अगर हम सेव करना नहीं चाहते तो हम एरो की मदद से ये लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। अभी हम सेव करना चाहते हैं तो हमने एंटर करेंगे ये सेव हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि प्रिंट लेना चाहते हैं आप, अगर हमने यस करेंगे तो प्रिंट स्लिप निकल आएगी, अगर हमने प्रिंट लेना नहीं चाहते तो हमने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। और ये जो गाड़ी है इस टाइम हमारे पास सेव हो चुकी है। अगर हम ये रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट वेट रिपोर्ट के अंदर जाके ये चेक करेंगे तो इस टाइम हमने ये गाड़ी सेव की थी ABC123, इसकी प्रोडक्ट नेम ये है, कस्टमर नेम केयर इंटरनेशनल है, चार्जेस हमने इससे कोई पैसे नहीं लिए थे, फर्स्ट वेट ये आ गया, डेट टाइम ये सारा हमारे सामने इस टाइम ये शो कर रहा है। अब इसी गाड़ी का अगर हमने सेकंड वेट करना चाहते हैं, इसका स्लिप नंबर हमने यहाँ से देखना है कि इसका स्लिप नंबर 4 है, सेकंड वेट के लिए हमें खाली ये स्लिप नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से हम इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई गाड़ी आई है, ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैं मज़ीद कोई ये भी चीज़ रख देता हूँ ताकि इसका वजन इस टाइम 660 बता रहा है, 660 इंडिकेटर के ऊपर भी आ रहा है, 660 जो है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आ रहा है। और सेकंड वेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है कि जो भी गाड़ी आएगी वो हमने पहले चेक कर लेनी है कि फ़र्ज़ करें इस टाइम जो हमारे पास गाड़ी आई है वो ABC123 ये गाड़ी है। तो अब हम इस गाड़ी का सेकंड वेट करना चाहते हैं तो इसका स्लिप नंबर हमने नोट कर लेना है, इसको हमने बैग चले जाएंगे, टिकटिंग के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से हमने सेकंड वेट, पहले जब हमने फर्स्ट वेट किया था यही हमारे पास विंडो थी वहाँ पर हमारा फर्स्ट वेट लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन जब सेकंड वेट करना है तो यहाँ पर हमने सेकंड वेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने खाली स्लिप नंबर लिखना है, स्लिप नंबर ABC123 जो गाड़ी थी इसकी स्लिप नंबर 4 था, हमने ये 4 एंटर किया और 4 लिख के हमने एंटर किया, उसने सारा कुछ जो है खुद ही लिख दिया है कि व्हीकल नंबर क्या है, उसकी प्रोडक्ट क्या हमने लिखे थे, कस्टमर क्या लिखा था, नंबर ऑफ बैग कितने थे, ये सारा कुछ जो है उसने खुद ही एंटर कर दिया। हम नीचे क्लिक करके हम जब एंटर के ऊपर प्रेस करेंगे वो ये लिखा कह रहा है कि ऑल एंट्री विल बी सेव नो, हमने यस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा।
अगर हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा, अगर नहीं हमने प्रिंट लेना चाहते हैं तो हमने नो के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें यही गाड़ी हमारे पास 10 दिन बाद आती है, 15 दिन बाद आती है और वो हमें कहती है कि हमें इसका डुप्लीकेट चाहिए, तो हमने क्या करना है कि रिपोर्ट के अंदर जाके ये फर्स्ट वेयर डुप्लीकेट की भी ऑप्शन है इसमें और नेट वेयर डुप्लीकेट की भी ऑप्शन है। नेट वेयर डुप्लीकेट हमने जब क्लिक करेंगे, हमने सिंपल यहाँ पे गाड़ी का नंबर लिखना है ABC123, ये लिख के जब हम एंटर करते जाएंगे तो ये आपके सामने इसकी ये स्लिप आ जाएगी, ये केयर इंटरनेशनल, ये हमारी कंपनी का नाम है लाहौर, ये फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रक का नंबर ये आ गया, डेट किस तारीख की थी, टाइम क्या था, उस टाइम फर्स्ट वेट क्या था 660 था, नेट वेट जो है 490 था, टेयर वेट 490 था, नेट वेट 170 था, नंबर ऑफ बैग उसके इतने थे, ये क्या कहते हैं मंथ के अंदर भी आ गया कि 37 मंथ के जी के हिसाब से पर मंथ क्या बनता है, 40 के जी के हिसाब से पर मंथ क्या बनता है, यहाँ पे ऑपरेटर के सिग्नल, ये वो कंप्लीट ऑल टू ऑल हमारी डिटेल आ जाएगी। और हम अगर हमने इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये तो तरीका था कि फर्स्ट वेट और सेकंड वेट का। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रिपोर्ट की क्या क्या ऑप्शन है। आप रिपोर्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट वेट रिपोर्ट आ गई। फर्स्ट वेट रिपोर्ट के अंदर से आपको पता है कि स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डाल के हमने ये चेक कर लेनी है फर्स्ट वेट रिपोर्ट हमारे पास क्या थी। अब नेट वेट रिपोर्ट हमने देखना चाहते हैं, नेट वेट रिपोर्ट के अंदर अगर आप पूरा साल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, पूरे मंथ का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, वो हमने उस हिसाब से यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आज ये आज की डेट की सारी थी, तो आज की डेट में ये दो नेट वेट हुए हैं, ABCD के गाड़ी का एक नंबर था, AFDSF एक ये गाड़ी का नंबर था और एक ABC123 जो कि अभी मैंने इस टाइम में प्रिंट की है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नेट वेट रिपोर्ट भी आपको समझ लग गई है। उसके बाद इसमें कस्टमर वाइज रिपोर्ट है कि अगर हम किसी भी कस्टमर का नंबर लिखना चाहते हैं, जैसे फर्ज करें केयर इंटरनेशनल के लिहाज से था, तो ये केयर इंटरनेशनल के लिहाज से अभी मैंने एक गाड़ी की है। इस कस्टमर को हमने जितनी भी गाड़ियाँ की होंगी वो फ़र्ज़ करें पूरे साल का अगर हमने देखना चाहते हैं कि या पूरे मंथ का देखना चाहते हैं कि पूरे महीने में इस कस्टमर की गाड़ी हमारे पास कितनी आई है, तो वो भी हमें पता लग जाएगा। ये कस्टमर वाइज रिपोर्ट है। उसके अलावा इसमें प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट भी है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमने वाटर देख लिया या वुड देख लिया, जो भी यानी हमने किया होगा, उस लिहाज से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या कहते हैं ऑयल या वाटर, ये हमारे पास कितने पूरे महीने में कितनी आई हैं या ये पूरे दिन में हमारी इसकी कितनी गाड़ियाँ आई हैं। उसके अलावा व्हीकल वाइज भी रिपोर्ट है कि व्हीकल वाइज जो भी हमने गाड़ी का नंबर लिखना है, फ़र्ज़ करें कि ABC123 ये गाड़ी का नंबर है, ये अगर हमारे पास पूरे दिन में कितनी आई हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी अभी हमारे पास एक दिन में ये पूरे दिन में एक ही आई है, लेकिन अगर ये गाड़ी दोबारा जाती है, दोबारा आती है या पूरे महीने में कितनी आती है, वो पूरी इसकी इसी गाड़ी की रिपोर्ट, व्हीकल वाइज रिपोर्ट, ये आप देख सकते हैं व्हीकल वाइज रिपोर्ट ABC123 इस गाड़ी की पूरी पूरे महीने की या पूरे दिन की कितनी गाड़ियाँ आई हैं वो ये रिपोर्ट दे देगा। उसके अलावा व्हीकल वाइज रिपोर्ट होगी, फर्स्ट वेट डुप्लीकेट, सेकेंड वेट, नेट वेट डुप्लीकेट, नेट वेट डुप्लीकेट का मैंने आपको बता दिया है। कस्टमर और प्रोडक्ट न्यू अगर आपने ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप न्यू ऐड कर सकते हैं। ये जब आप यहाँ पे गए थे आप ये देख सकते हैं फर्स्ट वेट में जो प्रोडक्ट की ऑप्शन आ रही थी, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रही है आप ये मवीद चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट मवीद ऐड अगर कर लें आप, तो मवीद ऐड आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं कि न्यू अगर आपने लिखना है, ये कस्टमर यहाँ पे जो भी है या एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, फर्ज़ करें ये मैं अदनान शोकर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने ये डिलीट प्रोसेस हैज़ बीन डन, ये ओके कर दिया मैंने। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से अदनान ख़त्म हो गया, तो ये इसी तरह एडिट भी कर सकते हैं, इसी तरह मवीद आप कस्टमर और प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कस्टमर लिस्ट आ गई है, प्रोडक्ट लिस्ट आ गई है, प्रोडक्ट हमने अभी जितनी भी सेव की होंगी यहाँ पे वो शो कर देगा कि सीरियल नंबर के हिसाब से ये प्रोडक्ट नेम है, इसके लिए ये है, अभी दो हमने प्रोडक्ट सेव किए हैं तो इसलिए दो शो कर रहा है, ये जितनी भी हो गई ये पूरे पेज के ऊपर ये हमारा शो कर देगा जितनी भी प्रोडक्ट हमने सेव की होंगी। उसके अलावा मैं इसमें रिपोर्ट की सारी आपने ऑप्शन देख ली हैं, और अगर आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें हर तरह का इंडिकेटर हम सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाता है। अभी इस टाइम हमने जो एवरी का इंडिकेटर है, एवरी वेट्रॉनिक्स, ये हमने कनेक्ट किया हुआ है, जो भी वज़न यहाँ पर आ रहा है वही वज़न हमारा
इंडिकेटर के साथ भी शो कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। अगर इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स।